इधर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सोमवार को मंत्रालय में पूजा पाठ के बाद पदभार ग्रहण कर लिया है। स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी संभालने के बाद मंत्री जायसवाल ने कहा है कि प्रदेश के एक एक व्यक्ति की सेहत की चिंता की जाएगी। अनित न्यूज से खास बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सुदूर अंचल से लेकर शहरों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना पहला उद्देश्य रहेगा। पदभार ग्रहण करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पदों पर जल्द ही भर्ती के निर्देश भी दिए हैं। हमारे साथ मौजूद है स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, जिन्होंने आज मंत्रालय में अपना पदभार ग्रहण कर लिया और पदभार ग्रहण करने के बाद बैठक भी ली है। आज पदभार ग्रहण करने के बाद बैठक ली है, किस तरह के दिशा निर्देश दिए और क्या प्राथमिकताएं स्वास्थ्य को लेकर रहेगी? अब देखिए, समय बहुत स्पीड से भागता है। आज मेरा पहला दिन था और पहला दिन में सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बार परिचयात्मक बैठक था। बैठक के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ के, चाहे सीएमएस जो हैं, चाहे मेडिकल कॉलेज के डीन हों और विभिन्न संस्थाओं के जो संस्था प्रमुख और वरिष्ठ लोग हैं, उनसे बातचीत हुई है और सभी को आज दिशा निर्देश दिया गया है कि जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो आम जन तक कैसे पहुंच सके। नीचे से नीचे तक गांव के लोग हों, गरीब लोग हों या ऐसे लोग हों जो इलाज करवाने में असमर्थ रहते हैं, तो चाहे उनको 102 की सुविधा हो या 108 की सुविधा हो, डिलीवरी के लिए महतारी एक्सप्रेस हो, इन सभी सुविधाओं का लाभ कैसे मिल सके, इसके लिए दिशा निर्देश जारी किया गया है। स्वास्थ्य विभाग काफी महत्वपूर्ण विभाग है और पूरे प्रदेश में ये देखा जाता है कि डॉक्टरों की कमी है प्रदेश में। ऐसे में जो है कहीं ना कहीं जो सुदूर इलाके के जो हॉस्पिटल है उसमें अभाव है खासतौर पर, तो ये डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे? डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए मैंने विभाग के प्रमुख लोगों को कहा है कि एक पूरा प्रदेश का किन किन जगहों में किस स्तर के डॉक्टरों की कमी है। मुझे लगता है कि MBBS डॉक्टर लगभग हमारे बहुत ही कम पद बचे होंगे, बाकी लगभग हमारी जो पॉलिसी है हम लोगों ने उस समय बनाया था कि गांव में 2 साल अनिवार्य रूप से देना होगा जो पास आउट हैं, उस आधार पर हमारे पास उसकी संख्या मिल रहा है, परंतु विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है और पूरे प्रदेश में कमी है। उस दिशा में मैंने अधिकारियों को कहा है कि कुछ ऐसा उनसे बातचीत करके विशेषज्ञों से कि उनको किस आधार पर किस पैकेज पर वो काम करना चाहते हैं, तो एक बार बैठ के उनके साथ बातचीत करने की पहल करेंगे ताकि छत्तीसगढ़ में विशेषज्ञों की कमी दूर की जा सके। पूर्ववर्ती सरकार की कुछ योजनाएं थी, उन योजनाओं का क्या होगा, रिव्यू करेंगे उसका? निश्चित रूप से योजनाओं का जो समीक्षा है वो सतत रूप से चलता है। पिछली सरकार में भी जो योजनाएं हैं उसका परीक्षण करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, अगर वो जन उपयोगी है तो योजनाएं चलेंगे, यदि जनहित में नहीं है तो इन योजनाओं पर समीक्षा कर निर्णय लेंगे। खूबचंद बघेल योजना का क्या होगा सर? देखिए, मुझे लगता है खूबचंद बघेल योजना 50,000 का है और 10 लाख का आयुष्मान कार्ड आने के बाद मुझे लगता है कि इस योजना का कोई औचित्य रहता नहीं है, इसलिए इस पर समीक्षा करेंगे। हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो पूर्ववर्ती सरकार की जो योजनाएं हैं उसका रिव्यू किया जाएगा और उसके बाद अगर अनुपयोगी योजनाएं होगी तो उसको बंद किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जो प्रदेश में डॉक्टरों की कमी है, खासतौर पर जो विशेषज्ञ डॉक्टर की कमी है, उसको जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। कैमरा मलकित के साथ स्वप्न गोरखेड़े, INOX News, रायपुर।